हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स 2 को समझने के लिए हमें पहले से क्या आना चाहिए, है ना। तो देखिए, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमने यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ को, जो हमारी मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 4 और 5 है, वो यूनिट हमने नहीं पढ़ी है, तो क्या मैथमेटिक्स 2 को समझने के लिए यूनिट 4 और 5 को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने अगर यूनिट 4 और 5 मैथमेटिक्स 1 में नहीं पढ़ी है तो अब आपको उसको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में जो हमारा मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है उसमें जो हमारी टोटल यूनिट है 5, वो सभी यूनिट बेस्ड है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें, उनको यूज करना सीख लें, तो आपको मैथमेटिक्स 2 को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब मैथमेटिक्स 2 को हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो भी चीज होगी वो सब मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से ही कुछ तैयारी कर लें, है ना, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स 2 में समझने में कोई दिक्कत ना आए, तो वो यही है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लें, उनको यूज करना अच्छे से सीख लें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले बताता हूं, है ना। देखिए, ये सबको आते हैं, मैं ये अच्छे से जानता हूं कि आप सबको ये फॉर्मूले आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट फॉर्मूले आने के बाद भी इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय गलती कर देते हैं, या कई बार उनको नहीं समझ में आता कि हम यहां पर क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, जैसे अभी हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर हुआ, है ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था लेबनीज थ्योरम का और ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था टेलर सीरीज का। कुछ स्टूडेंट उस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाए, है ना। काफी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि लेबनीज थ्योरम और टेलर थ्योरम दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और दोनों जगह से क्वेश्चन आया भी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए? क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए, जबकि उनको लेबनीज थ्योरम अच्छे से आता था कि लेबनीज थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, उनको टेलर सीरीज अप्लाई करनी आती थी, टेलर सीरीज सब फॉर्मूला जो था टेलर सीरीज का वो सब याद करके गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो स्टार्ट भी नहीं कर पाए कई बच्चे। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने बेसिक फॉर्मूला जो था डिफरेंशिएशन का वो सही से अप्लाई नहीं कर पाए। चलिए, मैं अभी उस एग्जाम्पल को आपको बताऊंगा कि कैसे उस एग्जाम्पल में हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए। तो चलिए, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें प्रोडक्ट रूल, सबको आता है प्रोडक्ट रूल कि भाई जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उन दोनों को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, जैसे यहां पर यू एंड वी, तो क्या होगा, पहला फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरे को ऐसे ही लिखेंगे और पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये सभी को आता है प्रोडक्ट रूल, है ना, सभी को आता है प्रोडक्ट रूल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम एक और चीज पढ़ चुके हैं भाई, ये तो हमने क्लास 11th और 12th में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, लेकिन जब हमने मैथमेटिक्स 1 पढ़ा तो हमने वहां पर पढ़ा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनको हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए हम लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। तो लेबनीज थ्योरम को मैंने यहां पर नहीं लिखा, कहीं पर जहां पर उसका यूज आएगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन रूल, ये भी अगेन सभी को आता है क्वेश्चन रूल, है ना। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बीच में माइनस आएगा। अब ऊपर वाले को हम देखिए ऐसे ही लिखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर का, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यही हमारा होता है क्वेश्चन रूल, जो कि सभी को आता है। कब अप्लाई करते हैं, जब आपके दो फंक्शन कहां हो, डिवाइड में हो, एक न्यूमिनेटर में हो एक फंक्शन और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में। उसके बाद आता है चेन रूल, चेन रूल के बारे में अभी बता दूं आपको, उससे पहले हम देखते हैं। देखिए, पहला ही फॉर्म यहां पर जो सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर एन। अब ये फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इस फॉर्मूले को यूज करने में गलती कर देते हैं। देखिए क्यों गलती करते हैं वो मैं बताता हूं।
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि जिस फॉर्म में फॉर्मूला दिया हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए क्या हो सकता है, इस एक्स के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है, हो सकता है x की जगह sin x लिखा हो, हो सकता है x की जगह tan x लिखा हो, हो सकता है x की जगह पर कुछ बड़ा फंक्शन लिखा हो x स्क्वायर प्लस 3x और उसके ऊपर पावर लगी हो n। तो कहने का मतलब यह है x के प्लेस पर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है। तो स्टूडेंट को केवल यह नहीं समझना है कि x की पावर n का यह फॉर्मूला है तो यह तभी लगाना है जब x की पावर n होगी, नहीं, x के प्लेस पे कुछ भी लिखा हो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करिए, तो आप यहां पर देखिए x के प्लेस पे साइन x लिखा है, x के प्लेस पे क्या लिखा है साइन x, यानी कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स साइन x का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है x के प्लेस पे साइन x लिखा है, तो जब आप इस फॉर्मूले का इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 आएगा मल्टीप्लाई में साइन एक्स की होल पावर 2 माइनस 1, मतलब 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद चेन रूल लगेगा, यानी कि अब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा आपका कॉस एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए, फॉर्मूला तो सबको याद है लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए। यहां पर x के प्लेस पे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बोला चेन रूल, अब ये चेन रूल क्या है, देखिए चेन रूल मतलब आप जब कोई भी आपके पास जब कंपोजिट फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन का फंक्शन, तो आप उसको तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक उसमें सारी चीजें डिफरेंशिएट ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा इक्वेशन, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसको समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पे लिखा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहां पर लिखा हुआ है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए इसमें चेन रूल कैसे लगेगा आप जरा ध्यान देना। देखिए मान लीजिए मुझे यहां पर dy बाय dx निकालना है, dy ओवर dx, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा dy ओवर dx, अब जरा ध्यान देना। देखो ये जो sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो sin x स्क्वायर है, sin x स्क्वायर है, ये यहां पर हमारा x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है x का, तो यानी कि यहां पर मुझे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो x की पावर n वाला जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2 sin एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 थी, पावर 1 कम हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पावर 1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, है ना, तो एक पावर क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी, तो यहां पर मतलब 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा इनटू। अब देखो चेन रूल लगाएंगे, तो अभी तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, मतलब हमने ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जिसकी पावर थी, जिसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अब आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपने साइन का किया है, अब साइन के आगे लिखा एक्स स्क्वायर, अब आप एक्स स्क्वायर का भी करेंगे और उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2x, इसी को बोला जाता है चेन रूल। आपने किया क्या, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, x की पावर n को डिफरेंशिएट किया, फिर जो x के प्लेस पे लिखा था उसको डिफरेंशिएट किया, फिर यहां पर साइन के आगे जो लिखा था उसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, और आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा चेन रूल होता है, चेन रूल अप्लाई करना सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, क्योंकि आप क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा और हमने सेम 1 में भी इसका यूज किया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एक्स के प्लेस पर कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है। जैसे इसी में मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, जैसे आप बहुत पहले से आपको मालूम है कि अगर यहां पर डी ओवर डी एक्स एक्स की जगह पर रूट एन लिखा हो, रूट एक्स लिखा हो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। तो देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है।
अब ये कैसे आता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, यानी कि ये फॉर्मूला लग जाएगा, एन की जगह 1/2 आ जाएगा। तो जब एक्स की पावर 1/2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 1/2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में और एक्स की पावर -1/2 आएगा, है ना। और यहां पर देखिए पावर -1/2 है, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2√x हो जाएगा। तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को करके, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में याद करना है, और आपको मुझे लगता है सभी को याद होगा। याद होने के बाद भी इसको यूज करना, कई बार स्टूडेंट यूज करने में गलती कर देते हैं। जैसे अब मैं बताता हूं कैसे गलती कर देते हैं। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं लेबनीज थ्योरम का, जो मैथमेटिक्स 1 में पहले में हमारा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, y इंटू अंडर रूट में फंक्शन था हमारे पास x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू में था log e x plus अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वन, ये क्वेश्चन था शायद, है ना। हाँ, तो x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वन, ये आपको क्वेश्चन दिया था, और इसमें आपको प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था y n plus 1 की फॉर्म में था। तो कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाए, कुछ स्टूडेंट, ज्यादातर ने तो कर लिया। अब अगर आप देखें, आपको इसमें जो प्रूफ करना था लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके, उस लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था, फंक्शन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ था, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। जबकि आपको करना क्या था, देखो लेफ्ट साइड में दो फंक्शन लिखे हैं, एक ये और एक ये, आपको इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना था। पहले आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना था। क्या लगाना था, प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए रूट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/2√x2 - 1, ऐसा कुछ आपको करना था। अब आपने अभी तो रूट का डिफरेंशिएशन किया, जिसका हो गया 1/2√। अब इसके अंदर जो लिखा उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x2 का 2x होगा, 1 का तो हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, अब आप दूसरा ऐसे ही लिखेंगे और पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि आपका हो जाएगा y1। तो अब अगर आप इसमें देखें तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया। क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में लॉग लिखा है। अब देखो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे नीचे मैंने लिखा है d/dx log x, आप सब जानते हैं लॉग का फॉर्मूला 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये 1/x तभी होता है जब यहां पर e लिखा हो, यानी कि जब ये नेचुरल लॉग हो। क्या हो, नेचुरल लॉग। तो यहां पर e नहीं है, मतलब यहां पर बाई डिफॉल्ट e ही है। तो अब लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। अब देखो ध्यान से देखो जरा, यहां x के प्लेस पे इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, तो जैसे ये 1/x है तो आप 1/x की जगह x plus अंडर रूट में x square minus 1। देखिए ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं कि ये तो हमें सब आता है, बिल्कुल आपको आता है, लेकिन आप लोग कई बार इसको अप्लाई करने में गलती कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये 1/x की जगह पर 1/ ये आ गया। अब अभी आपने log का डिफरेंशिएशन किया, 1/x हो गया, लेकिन अब log के आगे जो लिखा इसका भी तो करेंगे, तो जब आप इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और यहां पर फिर से रूट आ गया, इसका क्या हो जाएगा, 1/2√x2 - 1, और फिर मल्टीप्लाई में 2x। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते, अगर रूट आएगा तो रूट को स्क्वायरिंग करके हटा देते, मतलब कुल मिला के इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना था, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाता तो आपको इसमें लेबनीज थ्योरम लगा देनी थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, लेबनीज थ्योरम का रोल तो बाद में था, पहले रोल था इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन का, यानी कि पहले इसमें आपको अप्लाई करने थे बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले।
तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स 2 की सभी यूनिट अच्छे से समझ में आए, तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको यूज करना आना चाहिए। यूज करना कैसे आएगा? जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली इनका यूज करना आ जाएगा। चलिए, हाँ, तो यहां पर आप सब जानते हैं सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है इसमें भी बच्चा गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं? ये ए क्या है? कॉन्स्टेंट है, और जो एक्स है वो वेरिएबल है। तो अगर देखो, जिसकी पावर है वो अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये बनेगा ए की पावर एक्स लॉग ए। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा वाई की पावर एक्स लिखे या एक्स की पावर वाई लिखे, ये दोनों टेलर सीरीज में थे क्वेश्चन, है ना, जिसमें से एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स 1 में आया भी है। अब जैसे वाई की पावर एक्स है, अगर आप यहां पर वाई को कांस्टेंट माने तो आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि वाई कांस्टेंट है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वाई की पावर एक्स लॉग वाई हो जाएगा। और अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि एक्स वेरिएबल, एक्स कांस्टेंट है, तो अगर एक्स कांस्टेंट है और वाई वेरिएबल है तो फिर लगेगा ये वाला फॉर्मूला। मतलब इसमें अगर y को कांस्टेंट माने तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर x को कांस्टेंट माने तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। तो यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, अगर मुझे y की पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तो वो डिपेंड करेगा बेटा कि इन दोनों में से कौन सी टर्म कांस्टेंट है, है ना। तो ऐसा जनरली पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है, जैसा हमारा टेलर सीरीज में होता था। चलिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, e की पावर x होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग x का 1 अपॉन x, और आगे चलते हैं साइन x का, सबको मालूम है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखो यहां पर इन सभी फॉर्मूले आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर x साइन x लिखा है, x के प्लेस पे कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, x के प्लेस पर कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। cos x का माइनस साइन x, अगेन x के प्लेस पे कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। देखो इन सब फॉर्मूले में केवल यही वेरिएशन आ सकता है कि यहां पर x के प्लेस पर कोई और फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन x का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, और कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cot x। ये सब आपको अच्छे से याद होंगे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इनको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, है ना, इससे हमारी क्वेश्चंस में गलती नहीं होती और क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहां पर जो ये फॉर्मूले थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, अब यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जो कई बार क्वेश्चंस के बीच में आते हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखो अगेन आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि एक्स के प्लेस पर कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, तो वहां पर हमें जो फॉर्मूला है वो लगाना है और चेन रूल भी अप्लाई करना होगा। तो जैसे यहां पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, देखो बहुत आसान है, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स में देखो यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वही कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। यहां पर आ जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का भी यही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में, सॉरी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इधर आ जाते हैं, देखिए sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का फॉर्मूला अगेन सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनका यूज ज्यादा होता है, तो एक साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज ज्यादा होता है ना। साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये दोनों फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कभी कभी आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखो इतने से फॉर्मूले हमारे डिफरेंशिएशन के थे, है ना, और इनमें से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको बस आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे इनको यूज करना है ना। चलिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन। अब देखो यहां पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, है ना। क्या होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी होती है, कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा एन है वो माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। चलिए देखिए n माइनस वन के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहां से देख भी सकते हैं नीचे n प्लस वन लिखा, अगर n माइनस वन हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स नॉट डिफाइन हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो फॉर्मूला नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। चलिए तो n माइनस वन नहीं होना चाहिए, तो अगर n माइनस वन होगा तब तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अगर n की जगह मैं माइनस वन रख दूं तो x की पावर माइनस वन होता है वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला आपको अलग से पढ़ना है, दैट इज लॉग x प्लस c। और यहां पर सभी फॉर्मूलों में c ऐड होगा, क्योंकि c क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। चलिए e की पावर x का फॉर्मूला सब जानते हैं, e की पावर x ही होता है, चाहे डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, फॉर्मूला रिमेन सेम। अब यहां पर मैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात पहले फॉर्मूले के बारे में आपको बतानी है कि ये जो x की पावर n है ना, यही फॉर्मूला हमारा डिफरेंशिएशन में भी आया था, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो देखो जब ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन फॉर्मूला हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि x के प्लेस पर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो सकता है, आप इस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये गलती आपको इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं करनी है। जब इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्स के प्लेस पर कोई भी फंक्शन लिखा हो, लेकिन उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो वन होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक्स के प्लेस पे कोई फंक्शन लिखा है जिसकी डिग्री टू थ्री है, तो तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में वैलिड होता है, इंटीग्रेशन में वैलिड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर डी बाई डी एक्स लिखूं और यहां पर मैं लिख दूं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और इसकी पावर फाइव, तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन का, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही फंक्शन को मैं ऐसे लिखूं तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि एक्स के प्लेस पर जो फंक्शन लिखा है उसकी डिग्री टू है। तो याद रखें डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन लिखा हो एक्स के प्लेस पे फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब एक्स के प्लेस पर या तो एक्स ही हो या एक्स के प्लेस पर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हो जिसकी डिग्री वन है। चलिए अब आगे देखिए ए की पावर एक्स का फॉर्मूला, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, यहां पर लॉग ए डिनोमिनेटर में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। तो अगेन ध्यान रखें इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों में एक्स के प्लेस पर अगर कोई लीनियर डिग्री वन का फंक्शन लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूले वैलिड होंगे, लेकिन अगर उसकी जगह पर कुछ और लिखा है तो फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साइन एक्स के बारे में ही बताऊं, अगर मैं यहां पर लिख दूं साइन 2x प्लस 3, तो आप यहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी,
ध्यान रखें जो x का कोफिशियंट है वो यहां पर डिवाइड में आता है, तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला लग गया, लेकिन अगर मैं यहां पर साइन 2x² + 3 कर दूं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तब आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तब आपको यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। तो ध्यान रखें इंटीग्रेशन में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो तभी तक वैलिड है जब एक्स के प्लेस पर अगर कोई दूसरा फंक्शन लिखा है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। चलिए आगे देखें, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन सब जानते हैं, साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन नहीं है यहां पर, इंटीग्रेशन है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखिए टेन एक्स का यहां पर इंटीग्रेशन हमारे पास होगा लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए लॉग के आगे जो मॉड लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि एक्चुअल में लॉग के आगे जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए लॉग के आगे जो भी क्वांटिटी लिखते हैं हम उसके दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। तो अगर आप मॉड नहीं लगा रहे तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है ना, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, हालांकि देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन में बात करूं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एंड टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तीन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद करेंगे तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और लास्ट वाला इधर sec square x, इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा tan x plus c, tan x plus c, क्योंकि देखो tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec square, तो sec square x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आगे चलते हैं cosec square x, आप अच्छे जानते हैं कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square x होता है, इसीलिए cosec square x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। sec x tan x, आप जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा प्लस c। cosec x cot x, आप सब अच्छे से जानते हैं कि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है, तो यहां पर cosec x और cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। चलिए उसके बाद फॉर्मूला नंबर 15 नेक्स्ट हमारा है। हाँ अब देखो ये यहां से जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan का, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसका यूज भी होता है। आपने देखा ये दोनों लास्ट वाले जो फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स 1 में भी इनका बहुत ज्यादा यूज हुआ था, है ना, और यहां पर भी यूज होगा, तो इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले। अब हम आगे चलते हैं ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब देखो यहां पर ये दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, इनमें क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, है ना। नीचे वाला फॉर्मूला भी इसी के जैसा, देखो आपको इनको क्या करना है, पहचानना है। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है दोनों डिनोमिनेटर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी।
उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है dx अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला अगेन बहुत आसान है, आपको क्या करना है सिर्फ log log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूले, मान लीजिए ये थोड़े से फॉर्मूले बड़े बड़े होते हैं, आपको अगर याद नहीं हो रहे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, जहां पर ये फॉर्मूले आएंगे वहां पर मैं फिर से लिखवाऊंगा, ठीक, बस आपको एक बार इनको रिवाइज करना है कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि जब इन फॉर्मूलों को आगे जाके यूज आएगा तो ये फॉर्मूले उस समय आपको याद हो जाएंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है फॉर्मूलों को देख के कि इतने सारे फॉर्मूले मैं याद कैसे करूंगा, आपको इनको समझना है, ठीक है ना, इनके यूज को समझना है, घबराना नहीं है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको धीरे धीरे अगर नहीं भी आते हैं तो आसानी से आपको ये आ जाएंगे जहां पर इनका यूज होगा, ठीक है ना। चलिए देख एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेक्स्ट। हाँ अब देखो इसके जैसा एक फॉर्मूला और है, वो शायद आगे है, देखो आगे देखिए, हाँ ये रहा, ये सेम उसी के जैसा है, इसी का पार्ट है, तो लॉग एक्स प्लस अंडर, देखो यहां पर फॉर्मूला भी आसान है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में वही लिखा जो नीचे लिखा हुआ है, ऐसा ही यहां पर भी है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब इससे पहले वाला एक फॉर्मूला बच गया हमारा, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसका क्या होगा, देखो यहां पर dx अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होगा 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अच्छा एक चीज और देखो, इससे पहले मैंने आपको sin इनवर्स का लिखवाया, tan इनवर्स का लिखवाया, और यहां पर आ गया हमारा sec इनवर्स, मैंने आपको cos का नहीं लिखवाया, cot का नहीं लिखवाया, cosec का नहीं लिखवाया, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और दूसरा अगर देखो अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इन तीनों फॉर्मूले में अगर आप यहां पर माइनस लगा देते हैं, ये माइनस लगाएंगे cos इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, यहां माइनस लगाएंगे तो ये 1 अपॉन a cot इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, और अगर आप इस फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे तो ये 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए आपका हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हमारे पास तीन फॉर्मूले बचे हैं और ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों फॉर्मूलों का जो यूज हुआ है वो अगर आप देखें मैथमेटिक्स वन में भी काफी जगह पर हमने ये फॉर्मूले यूज किए थे। देखिए क्या है, जरा ध्यान से समझिए, और ये फॉर्मूले देखने में जरूर बड़े बड़े होते हैं लेकिन होते आसान है। देखिए अंडर रूट में इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन टू लिखेंगे आप, फिर अंडर रूट में वही लिखेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस साइन आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में फिर से अगेन वही फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो फॉर्मूला देखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन इनको याद करना आसान होता है ना, और इनको यूज करना भी आसान है अगर आपने फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद कर लिया। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला, सेम जैसे ये लिखा वैसे उसको भी लिखेंगे, बस इसमें माइनस आ रहा है इसमें प्लस आ जाएगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या होगा एक्स अपॉन टू, देखिए तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स यहां पर लॉग नहीं आएगा, यहां पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ जाएगा। तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, इनका यूज आपने देखा पहले भी हमने किया, और देखो ये वही फॉर्मूले हैं जो आप क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, और बहुत ज्यादा आपने इनका यूज भी किया है। चलिए तो ये फॉर्मूले की बात होगी, उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन करने के तीन मेथड होते हैं, तीनों मेथड आपको थोड़ा सा अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार इनको देखिए, है ना, वरना जब हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पर इनका यूज आएगा मैं वहां पर तो आपको बताऊंगा ही, जैसे मैंने मैथमेटिक्स वन में भी आपको बताया था। चलिए देखिए तीन मेथड होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड,
है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो कई बार हम वहां पर फंक्शन के कुछ पार्ट को टी मान लेते हैं, है ना, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और इसके आगे मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो आप लिमिट चेंज कर भी सकते हैं और आप चाहे तो लिमिट चेंज ना करें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, ये मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जब मैंने पढ़ाया था तब भी बहुत जगह इसका यूज हुआ था और मैंने सभी जगह आपको बताया था कि आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे जब आएगा तो तब भी मैं आपको ये फिर से बताऊंगा। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है इंटीग्रेशन को करने का, है ना। इस मेथड को कब यूज करते हैं ये हमने मैथमेटिक्स 1 में भी सीखा था, है ना, और आगे जहां पर आएगा मैं वहां पर आपको इसको फिर से बताऊंगा। ठीक, चलिए, तो घबराना नहीं है इन सब चीजों से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों और आपको उनको इंटीग्रेशन करना है, जैसा हमारा डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों और आपको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो यहां पर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों और आपको उनको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। और आप सब जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आई लेट। तो आई लेट का मतलब आप सब जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब यहां पर आई लेट, देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं ILATE, ये हो गया हमारा आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय हमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है उसके लिए हम इस रूल का यूज करते हैं आई लेट। अगर दो फंक्शन में से एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसके साथ जो भी दूसरा होगा उसको सेकंड मानेंगे। तो यहां पर इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है और उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे, कई स्टूडेंट फोन करके भी पूछ रहे थे, कई स्टूडेंट ने मैसेज भी किया कि सर हमें क्या आना चाहिए। तो अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना ही चाहते हैं तो आप एक बार इनको देख सकते हैं, है ना। ये आपको क्लास 12th की NCERT में मिल जाएगा, NCERT सभी के मोबाइल में होती है, ठीक है ना। बाकी अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी आपको मैथमेटिक्स 2 समझ में आएगा, बस जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊं आपको वैसे वैसे करते जाना है। चलिए, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, जैसे इनका यूज हमने मैथमेटिक्स 1 में भी काफी ज्यादा किया है। मैथमेटिक्स 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत जगह हमने यूज की थी, यूनिट नंबर 4 में भी और यूनिट नंबर 5 में भी कुछ जगह पर हमने इनका यूज किया था। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट a से b है f(x) dx। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं यहां पर वेरिएबल को चेंज कर दूं, जैसे लिमिट तो a से b ही है लेकिन यहां पर x की जगह मैं मान लीजिए t लिख देता हूं, ft dt, तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं आया, दोनों एक ही बात है भाई। लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में है और राइट साइड में t की टर्म्स में है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। कभी यहां पर आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, नहीं, यहां पर तो आपने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया पूरा, बात समझ में आ रही है ना, x की जगह आपने t लिख दिया। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इंटीग्रल में वेरिएबल को बदल सकते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप मान लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट को चेंज कर रहे हैं, जैसे आपने a से b था, आपने इसको b से a कर दिया, तो क्या होगा, क्या ये सेम रहेगा, तो ये सेम नहीं रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a से b f(x) dx, देखो यहां पर क्या है, अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि लिमिट a से b तक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट 1 से 4 है और आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 2 कर सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं और फिर 3 से 4 कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर लिमिट a से b है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a से c f(x) dx प्लस अब c से b f(x) dx। मैंने तो इसको दो ही पार्ट में ब्रेक किया है, आप इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो हालांकि हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, इसका यूज बहुत होता है, इसका यूज भी काफी जगह पर होता है, इसका यूज भी होता है लेकिन कम जगह पर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ है ना, देखिए यहां पर क्या है, लिमिट ए से बी तक है, एफ एक्स डी एक्स है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट ए से बी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस एक्स से और dx। बात समझ में आ रही है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप x की जगह पर a प्लस बी, a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, दोनों लिमिट को ऐड कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी आप कहीं भी अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी वहीं अप्लाई करेंगे जहां पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से कुछ फायदा होगा, ठीक है ना। तो वो हमें क्वेश्चन में ही समझ में आता है कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, देखिए इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। देखो जैसे ये a प्लस बी माइनस एक्स था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो से a, अब यहां पर अगर मैं जीरो प्लस a करूंगा तो a ही आएगा, यानी कि a को आप x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। बात समझ में आ रही है, यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। चलिए उसके बाद लास्ट की दो प्रॉपर्टी और हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका यूज आपने देखा मैथमेटिक्स वन में भी काफी जगह पर इनका यूज हमने किया था। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जीरो से ए, लिमिट देखो जीरो से टू ए थी, लिमिट जीरो से ए हो गई, इंटीग्रल डबल हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स dx। मतलब क्या, यहां पर अगर हम चाहते हैं कि लिमिट 0 से 2a ना होके 0 से a हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx, लेकिन कब, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। देखिए ऐसा तभी होगा, आप क्या करिए x के जगह पर 2a माइनस x रखिए, अगर x के प्लेस पे 2a माइनस x रखने के बाद fx आ जाता है, अगर fx आ जाता है तो ये इंटीग्रल डबल हो जाएगा, लिमिट जीरो से ए हो जाएगी। अच्छा अब यहीं पर देखो इसका दूसरा पार्ट, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, क्या हो सकती है इसकी वैल्यू जीरो, कब, इफ इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। अगर आप एक्स के प्लेस पर टू ए माइनस एक्स रखते हैं और फंक्शन का साइन बदल जाता है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो आती है, यानी कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट बहुत जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रल का डायरेक्ट आंसर आ जाता है जीरो, या तो जीरो आ जाएगा या ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी माइनस ए से ए, मतलब यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होंगी, बस साइन का अंतर होगा। तो अगर ऐसा है तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ये डबल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब, इफ इफ, देखिए ध्यान दीजिए, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, कब, इफ, अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये तभी होगा अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये डबल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, कब होगी जीरो, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, जीरो। अब कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि अभी भी ये कंफ्यूजन हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, आप एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, आप एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, अगर एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने से फंक्शन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर x के प्लेस पर माइनस एक्स रखने से फंक्शन का साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तब वो ऑड फंक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं अगर यहां पर लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इवन फंक्शन है। क्यों है इवन फंक्शन, जरा ध्यान दें, मैं इसको ऐसे लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख के देखो तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा,
और प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, एफ एक्स था, तो एक्स स्क्वायर की जगह एफ एक्स लिख दो। तो देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तब भी फंक्शन का साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। अब यही अगर यही मान लीजिए एक्स क्यूब होता, कितना होता ये एक्स क्यूब। अब मैं यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखता तो ये माइनस एक्स क्यूब आता, यानी कि माइनस एफ एक्स आ जाता, साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ये। तो ये होता है इवन और ऑड को पहचानने का तरीका। चलिए तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिवाइज करिए। क्योंकि देखिए ये मैंने आपको सिर्फ मेरा जो बताने का मेन मोटिव था वो ये था कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि आने वाला जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड ही सब कुछ है। तो इसलिए आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। और आप ये अब मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या करना है, सीखना है। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसके बाद सीधे हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको पहले से ही बहुत अच्छे से आते हैं और इनको यूज करना आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स 2 समझ में आएगा। जिनको नहीं आते हैं वो एक बार इनको रिवाइज करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा, बस आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।